नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कोचिंग संस्थान से रिलेटेड अपडेट के बारे में। अभी हमने पिछले वीडियो में एक्सप्लेन करा है कि गवर्नमेंट ने जो भी अपडेट लाया है कोचिंग संस्थान से रिलेटेड वो क्या है, लेकिन इसमें कहीं भी ये चीज़ इंक्लूड नहीं करा गया है कि ऑनलाइन जो कोचिंग है जो आज के टाइम में बहुत ज़्यादा ही ग्रो कर रहे हैं उनके लिए कुछ भी ऐसा रूल्स रेगुलेशन नहीं आया है। तो ऑनलाइन वाले को भी मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि ऑनलाइन भी रूल्स को प्रॉपर फॉलो करें। ये गवर्नमेंट किसी भी दिन ऑनलाइन के लिए भी अपडेट ला सकती है, क्योंकि जिस हिसाब से यहाँ पे ऑनलाइन कोचिंग ग्रो कर रही है शायद ऑफलाइन से भी बड़ी मार्केट एक ऑनलाइन कोचिंग की है। उसके बाद गवर्नमेंट से ये भी अपील है कि ठीक है, कोचिंग में तो आपने ला दिया अपडेट, नए नए कंडीशन बना दिए, लेकिन थोड़ा सा ये अपने स्कूल को भी देख लो, CBSE स्कूल की या बाकी जो और भी गवर्नमेंट स्कूल है, जो स्टेट लेवल की स्कूल है। कोचिंग क्लासेज में ठीक है कैमरे लगने चाहिए, लेकिन क्या सभी सरकारी स्कूलों में कैमरा है? क्या सभी सरकारी स्कूल में ये सिस्टम फॉलो हो रहा है जो बाकी जगहों पर हो रहा है, जो आपने ये बता दिया कोचिंग इंस्टीट्यूट के लिए? क्या फायर एक्सटिंग्विशर है सरकारी स्कूलों में? क्या वहाँ पे प्रॉपर कैमरे हैं? क्या वहाँ पे प्रॉपर पढ़ाई होती है? इन चीज़ों को एक बार सही करना पड़ेगा, क्योंकि जिनके घर खुद शीशे के होते हैं ना, तो दूसरे के घर पे पत्थर नहीं मारना चाहिए। तो एक बार देख लेना, खुद का भी सिस्टम चेक कर लेना। उसके बाद जो CBSE स्कूल है, बहुत से CBSE स्कूल तो ऐसे हैं जहाँ टीचर की सैलरी 10 से 12 हज़ार होती है। 10 से 12 हज़ार तो ज़्यादा ही बता दिया, 3 से 4 हज़ार में भी वो काम कराते हैं टीचर से। कुछ स्कूलों की कहानी ऐसी भी है कि जो टीचर की सैलरी है उससे जस्ट डबल पेमेंट उनको करते हैं और अगले ही दिन फिर ATM से निकलवा के फिर आधा पैसा ले लेते हैं। एग्जांपल के लिए जैसे किसी की सैलरी है मान लीजिए 15 हज़ार, तो उस पर्सन के अकाउंट में वो ट्रांसफ़र करेंगे 30 हज़ार, ताकि वो अपने डॉक्यूमेंट्स में दिखा सके 30 हज़ार, और अगले दिन बोलेंगे लाओ भाई 15 हज़ार तुम वापस कर दो। अब टीचर क्या करे बेचारा? टीचर को पता है कि यदि इस पे ऑब्जेक्शन करेंगे तो जो मिल रहा है 15 ये भी नहीं मिलेगा। अब बताइए, जब इस टाइप का सिस्टम एक CBSE स्कूल फॉलो कर रहा है तो फिर बाकियों को क्या करना है, जो कि एक प्रॉपर एक इंस्टीट्यूशन होते हैं। स्कूल को तो एक बहुत बड़ा सिस्टम माना जाता है ना, जो हर रूल्स रेगुलेशन को फॉलो करते हैं। ये जो स्कूलों में ड्रेस बेचते हैं, बुक्स नोटबुक बेचते हैं, क्या स्कूल में अलाउड है जूते बेचना, चप्पल बेचना, ये सब अलाउड है क्या? तो स्कूल को एक बिजनेस नहीं बना रखा है तो क्या बना रखा है? तो थोड़ा सा CBSE अपने स्कूलों को भी देख ले, गवर्नमेंट जो भी भारत सरकार है, ठीक है अच्छा अपडेट लाए, बिल्कुल सभी लोग एक्सेप्ट करेंगे, लेकिन थोड़ा सोच समझ के। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।